मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बिजली बिलों में वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने सांवेर विधानसभा में विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों पर भाजपा को आड़े हाथों लिया। इस दौरान कांग्रेस नेत्री रीना बौरासी सेतिया ने कहा कि बिजली बिल कम नहीं हुए तो उग्र आंदोलन कर चक्का जाम किया जाएगा। बढ़े हुए बिजली के बिल और अपराधों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। प्रदर्शन की अगुवाई कर रही कांग्रेस नेत्री रीना बौरासी सेतिया ने चेतावनी दी है कि अगर बिजली बिल कम नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन का चक्का जाम किया जाएगा। रीना बौरासी ने कहा कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। प्रदेश के मुखिया जनता की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। जहां लोगों की दो वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है, वहां लोग लाखों रुपए का बिजली का बिल कैसे भरे। अपराधों को लेकर भी कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। उसी के लिए मैं आई हूँ कि ये जो गरीब आदमी 1 लाख का बिल नहीं भर सकता है, ये गरीब क्या एक मध्यम वर्गीय परिवार भी नहीं भर सकता है 1 महीने का 1 लाख का बिल, क्योंकि हम लोग को ये घर में फैक्ट्री लगा के तो बैठे नहीं है कि हमारे के लाख रुपए बिल आएंगे। हम लोग ये क्या पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, वो क्या करते हैं गरीब आदमी। इससे ज़्यादा दिन का 2 कमरे का तो उनका घर होता है, उसमें 1 लाख का कैसे रहता है। उनकी समस्या तो धांधली है, बिजली विभाग की, शिवराज जी की धांधली के तहत कि गरीबों के लिए गर्मना गर्म इतनी उनको वैसे ही उनकी लापरवाही से लोगों की इतनी मृत्यु हुई है। अब हम उनको हमेशा शिवराज जी से कि हमेशा मैं इन लोगों के साथ में हूँ और मैं समस्या को हल करवाऊंगी, और अगर इस समस्या का किसी भी तरीके से कोई हल नहीं निकलता या ऐसी भी फिर से मुझे समस्या आती है तो मैं फिर से उग्र आंदोलन करूँगी, चक्का जाम भी करूँगी और गांधीवादी तरीके से भी करूँगी, और अगर नहीं मानेंगे तो मैं उग्र तरीके से भी करूँगी, चक्का जाम भी करूँगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।